पंच स्कंद जो संखारा है, यानी जो पांच स्कंद हमारे होते हैं शरीर के अंदर, नाम और रूप। रूप में सारा फिजिकल पार्ट आता है और नाम में चार आते हैं, जिसमें वेदना आती है, संज्ञा आती है, संखारा आता है और व्याणा आता है। इसमें जो संज्ञा शब्द है, यानी संज्ञा शब्द है, उसको मेमोरी बोलते हैं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं अपनी आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, वो हमारी पूरी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो सारी सारी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। उस स्टोरेज को मेमोरी का स्टोर बोलते हैं, यानी कि जो याददाश्त है, जो यादगार है, जो हमने याद किया है या जो हमने सीखा है, वो सारा स्टोर हो जाता है। उसको पाली भाषा के अंदर पुराने समय में संज्ञा बोलते हैं और बाद में इसको संज्ञा बोलने लगे। आज की डेट में हम इसको मेमोरी बोल सकते हैं, याददाश्त बोल सकते हैं। संज्ञा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में बचपन से लेके, पैदा होने से लेके, माँ के पेट के अंदर भी हम सारा का सारा जितना अनुभव होता है टेम्परेचर का और दबाव का, जो प्रेशर होता है वहाँ प्रेशर का, और जो माँ के पेट से लाइट छनछन के आती है वो लाइट का, और जो दबाव होता है वो सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर स्टोरेज होता रहता है। और जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं उसके बाद से लेके और जब तक हम मरते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती रहती है। वो सारे जितने भी अनुभव हैं, वो सब टच जितने भी हैं, फीलिंग जितने भी हैं, वो सब स्टोरेज होते रहते हैं और वो स्टोर होके सब एक जगह रहते हैं, जिसको हम संज्ञा या मेमोरी बोलते हैं। आज के समय में हम इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोल सकते हैं और रैम बोल सकते हैं। रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आपने पूरे दिन के अंदर जितनी भी चीज़ें देखी या सूंघी या चखी या आपने छू के देखी या आपने सुनी, वो सारी की सारी स्टोर होगी। मगर उसमें हर चीज़ स्टोर नहीं होगी, जिस जो बार बार रिपीट होगी, जो खास होगी, जिसको आप चाहेंगे, वो परमानेंट हार्ड डिस्क में जाएगी। अदरवाइज सारी की सारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो हैंड टू हैंड डिलीट होती रहती हैं। अगर सारी मेमोरी स्टोर होने लगेंगी तो हमारा जो स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा और हम ज़्यादा मेमोरी स्टोर नहीं कर पाएंगे। कुछ मेमोरियाँ जो पुरानी पड़ती जाती हैं, हमारे अंदर प्रोसेस होता है कि वो मेमोरी या तो डिलीट होती चली जाती हैं या बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। जिप में, एक छोटी फाइल में, बहुत कमज़ोर होके कम डाटा के साथ में वो स्टोर होती रहती हैं और जैसे जैसे वो जाती हैं टाइम के साथ में निकलती रहती हैं। जो बार बार रिपीट होती रहती हैं वो मेमोरीज हमेशा लाइव रहती हैं और वो लगातार खुलती रहती हैं। जो काम आप करते रहते हैं उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेमोरी फोल्डर को तुरंत खोल कर रखती है। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमेशा ओपन रहता है, वो फाइल ओपन रहती है। जो आप काम करके भूल जाते हैं और 3-4-5-6 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बहुत छोटा सा हिस्सा उसके अंदर स्टोर रहता है। इसीलिए जो किताब हम पढ़ते हैं, अगर एक बार हम पूरी किताब पढ़ लें तो उसका 10-20-30% ही स्टोर कर पाते हैं, मगर अगर वो किताब हम लगातार कई बार पढ़ते रहें तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। वो 30% हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे तो 100% भी वो मेमोराइज यानी याद में आ जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी। संज्ञा इसलिए इम्पोर्टेंट है या संज्ञा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पटिच्च समुत्पाद के अंदर जो नाम आता है, जो संखारे के अंदर बताया जाएगा, जिसमें नाम और रूप का जो पांच स्कंद हैं, यानी जो पांच हमारे ग्रुप हैं पांच चीज़ों के, उसमें एक रूप होता है जो फिजिकल चीज होती है, जैसे कंप्यूटर में सारा हार्डवेयर है उसको हम रूप बोलेंगे और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसको मन बोलेंगे। ऐसे ही ह्यूमन का जितना शरीर है या एनिमल का जितना शरीर है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और जिससे वो चलता है, जो उसका माइंड होता है, मन होता है, उसको हम मन बोलते हैं। मन चार चीज़ों से मिलकर बना है। जो हम देखते हैं वो सारा सारा संज्ञा होता है, हमारी मेमोरी होती है, जो डिजिटल कोड में चेंज होकर बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। वो मेमोरी मैच करती है सारी की सारी जो हमने देखा है, देखने के बाद में वो संखारे में जाती है, और संखारा जैसे ही हमारा होता है, संखारा वो होता है जिसके अंदर गुणसूत्र होते हैं कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए या कैसे एक्ट करना है। जैसे ही हम उसको एक्ट करते हैं तो वो वेदनाओं में आता है, वेदनाएँ हमारी बताती है कि हमें कैसे एक्ट करना है, और फिर वो रिपीट करने से व्याणा बन जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल आज की डेट में जो कंप्यूटर बनते हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनती है, वो सारा का सारा बुद्ध के उसी सिद्धांत बनती है। पूरी नेचर में, पूरी प्रकृति में एक ही सिद्धांत है। जब भी आप माइंड बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे, तब भी सिद्धांत एक ही है। नेचर बनाएगी तब भी है। हम नेचर हैं, हम नेचर का पार्ट है, हम भी बनाएंगे। रूल वही है, रेगुलेशन वही है। इसको हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने सबसे पहले डिस्कवर किया, मगर ये नेचर के अंदर बहुत पहले से है।
और भी बौद्धों ने या और भी बुद्धों ने किया है ऐसा बताया जाता है। हमारी जानकारी में जो हमने पढ़ा है वही है, बाकी सम्यक सम बुद्ध ने इसको देखा, बाद के लोगों ने इसको लिखा और इसको चेक किया, साइंस ने इसको चेक किया और ये बिल्कुल साइंस के सिद्धांत पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पे 100% एकदम खरा होता है, 100%। धन्यवाद।